फिर आपको मैं अपनी दुखद स्टोरी जो है वो सुनाती हूँ, फायदा भी हुआ है मुझे। मुझे क्यों लगा है? फाइनली आपकी बहन ने जो है वो आईफोन ले लिया है, अब मैं भी प्रो मैक्स, फोन भी प्रो मैक्स और ये भी प्रो मैक्स। यार ये टेबल में देखो। नहीं नहीं नहीं, अभी बहुत फंसा हुआ यार, पट हो गया यार, वो पट हो गया। मुझे पता है मैं काफी दिनों से व्लॉग में एक्टिव नहीं थी, मैं व्लॉग अपलोड ही नहीं कर रही थी, क्योंकि पहली उसकी चीज ये है कि हम शॉर्ट कंटेंट पे फोकस ज्यादा कर रहे थे, हम थोड़ा उसमें एक्टिव हो गए थे, और दूसरा रीजन ये है कि मेरा जो फोन है वो चोरी हो गया था, जो कोई थोड़ा बहुत कॉन्टेंट मैंने एक्टिव रखा भी हुआ था, बनाया भी हुआ था मेरा, वो भी उसमें चला गया। वो सारा जो सीन है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी मैं किचन में एक काम करने आई हूँ, विच इज दूध, शौहर के लिए दूध गर्म करने आई हूँ। आजकल अच्छे बच्चे बन के सुबह सुबह दूध पी रहे हैं जी, हम हेल्दी होने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ये बस गर्म करके मैं उनको देती हूँ और फिर मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या। दूध हमारा गर्म हो गया, मिस्टर हस्बैंड्स को जो है वो दूध देते हैं। मेरा हुलिया ऐसा है क्योंकि मैं जस्ट अभी अभी जो है वो उठी हूँ और दूध गिरने लगा था। गुड मॉर्निंग, जल्दी उठे, दूध गर्म हो गया। ये हाल है इनके, हम उठ गए हैं, हमने काम शुरू कर दिए और इन्होंने अभी तक दूध जो है वो पकड़ने के लिए, मैं सुबह सवेरे दूध लेके आ गई वो तो मैं हूँ। मैं अमन बंद करके आती हूँ, फिर आपको मैं अपनी दुखद स्टोरी जो है वो सुनाती हूँ। मेरे साथ सीन कुछ यूं हुआ है कि मेरा जो फ़ोन था, जो मैंने कुछ 2 महीने पहले ही न्यू फ़ोन लिया था, जिसका मैंने ब्लॉग भी अपलोड किया था, वो फ़ोन मेरा चोरी हो गया। मैं बाज़ार गई हुई थी और किसी ने मेरी जो कोट है उसकी पॉकेट से फ़ोन बड़े आराम से प्यार से निकाल लिया, जैसे कि रखा ही उसी ने था कि बाजी मेरा थोड़ी देर जो है वो फ़ोन पकड़ ले। लेकिन उसका नुकसान भी कह सकते हैं हुआ है मुझे, लेकिन फ़ायदा भी हुआ है मुझे। फायदा ही हुआ है आपको? नहीं, इसने फोन अपना चोरी, मुझे तो ये लगता है कि इसने जानबूझ के चोरी करवाया। हर कोई मुझे यही कह रहा है कि तुमने जानबूझ के फोन चोरी करवाया, क्योंकि उसकी वजह मैं आपको अब भी बताती हूँ कि हर कोई मुझे ऐसा क्यों कह रहा है। उसका रीजन है ये, फाइनली आपकी बहन ने जो है वो आईफोन ले लिया है और वो भी डायरेक्ट 14 प्रो मैक्स। हाँ, मुझे क्यों लगा है, ये मुझे एक घुमा दिया और दूसरा फिर नया और वो भी आईफोन। नहीं नहीं, हम कब से सोच रहे थे कि हमें कंटेंट के लिए अच्छा कैमरा चाहिए, मतलब हमें आईफोन चाहिए, लेकिन ये है कि उसकी प्लानिंग में भी हम थे और हमारा फोन जो है वो चोरी हो गया। तो इसमें मेरा फायदा कह सकते हैं, इनका नुकसान कह सकते हैं, या जो भी कहें मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने फाइनली आईफोन जो है वो ले लिया है। और पहले मुझे इसकी अनबॉक्सिंग में सोच रही थी, अनबॉक्सिंग वैसे मुझे करनी चाहिए थी, लेकिन मैं इतनी एक्साइटेड थी। यार मेरी बात सुनो, आपने ये लेना ही था, ये मुझे पता था कि आपने लेना है, जब लेना था उसको तो एटलीस्ट ना घुमाते। हाय अल्लाह, मैंने नहीं गुम किया वो, बस कोई ले गया, जिस बेचारे को जरूरत थी वो ले गया फोन, मैंने नहीं गुम किया। वैसे मुझे इस चीज की है कि यार हम लोग तो वैसे एंड्रॉइड यूजर थे दोनों, हाँ। जब आपने तो एंड्रॉइड भी लेना था, कुछ अच्छे वाले लेना था, जाहिर है पहले भी अच्छा ही लेते हो, तो वही ले लेते, फिर आईफोन का चुना क्यों? क्योंकि मैं अब कंटेंट क्रिएटर हूँ, मुझे अच्छे कैमरा की जरूरत होती है और मुझे कैमरास के साथ शूट करना है कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे कहते थे मैं तुम्हें अच्छा कैमरा ले देता हूँ, फोन तुम वही। अरे वो जो सैमसंग गैलेक्सी है ना, वो इतने लेटेस्ट अच्छे वाले आए हुए हैं ना, नहीं चाहिए, रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, कैमरा बहुत अच्छा है, नहीं चाहिए, चाहिए ही नहीं था। लेकिन अब इस सब के पीछे मेरा ये फायदा हुआ कि मेरा आईफोन आ गया है, 14 प्रो मैक्स जो है वो मैंने ले लिया है, अब मैं भी प्रो मैक्स, फोन भी प्रो मैक्स और ये भी प्रो मैक्स। मैं तो अपना ये वाला एंड्रॉइड यूज कर रहा हूँ अभी तक, वो भी मैंने इनसे ले लेना है, क्योंकि ये बेचारा जो फोन है ना, इसको ये मेरी इतनी जो यूजेज मेरी है ना, ये बेचारा नहीं बर्दाश्त कर सकता और ना मैं इसको इतना देना चाहती हूँ। तो आई नीड अ साइड फोन अपने नेटफ्लिक्स के लिए, अपनी यूट्यूब, वो भी मेरे वाला, तो मैं क्या लूंगा, आपका ले लूंगी, आप न्यू ले लेना। चलो मैं न्यू लेना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये फोन ट्राइड एंड टेस्टेड है, इसकी रैम अच्छी है, ये कोई लोड ले लेता है, तो इनका ले लूंगी, ये जाने इनका नया फोन जाने, तो मेरा डाटा, मेरी हर चीज वो कहाँ जाएगी, ये आप खुद सोचेंगे। बाय बाय, इस बारे में आपने सोचना है। अभी मैं बस नाश्ता बनाने जा रही हूँ, आज मैं बनाने लगी हूँ आलू के पराठे, मतलब आलू के पराठे, लाइट्स ऑन, और मैंने उसके लिए आलू बॉयल होने के लिए पानी गर्म करके रख दिया, हमारी गैस जो है वो जा चुकी है। साथ में हमने ये प्लान बनाया है कि हम मूवी देखेंगे, आप मूवी डिसाइड कर लें और मैं नाश्ता बना के आई, वो हमारे UPS की भी आवाज़ें आनी शुरू हो गई। Look at this beautiful paratha that I made.
अब मैं ये जो है वो शौहरे पाक को देने जा रही हूँ, मैं 10 मिनट खा लूँ। हाँ, फिर उसके बाद फिर मैं अपना नाश्ता बनाऊंगी और फिर हमारा प्लान है मूवी देखने का। पहले हमारा प्लान था जी पिकनिक पे जाने का, लेकिन वो हमारा प्लान जो है वो कैंसिल हो गया क्योंकि बाहर जो है वो बादल है, हमें ठंड में नहीं जाना। और अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि इसको मैं कहाँ फिट करूँ, तो ये मैं दोबारा ले जाऊँगी। वो अंदर कॉल पे लगे हुए हैं, बट लेट्स गिव हिम दिस। और फिर आके मुझे अपना पराठा भी बनाना है। देखिए कॉल योर नाश्ता। अच्छा, इतना प्यारा पराठा है यार, सारा दिन ही ये कॉल करते हैं सारा दिन। फिर अभी मैं अपना नाश्ता बनाऊंगी और मैं अब तो अपना नाश्ता जो है वो मूवी देखते देखते करूंगी। मैंने अपना नाश्ता कर लिया जो कि मुझे शूट करना याद नहीं रहा, और अब हम देखेंगे मूवी। चलें जी मिस्टर हस्बैंड जाके सेटअप करें और मूवी देखते हैं। हाँ, अभी इसलिए अब फौरन से कैमरा खोल लिया ना, मुझे कब से कह रही थी कि मूवी देखनी है, टीवी ऑन करके मैं इसको कह रहा था कि खुद करो, अब मुझे कैमरा खोल के मुझे अब मैंने कैमरा खोल दिया है कि मैंने अभी कैमरा खोल के इनको बोला है कि जाएं जरा जाके ना टीवी ऑन करें, ये जा नहीं रहे थे यार। बिस्तर में बैठे हुए टेबल भी उधर रख दे और जाके यार ये टेबल में देखो। नहीं नहीं नहीं, अभी बहुत फंसा हुआ है, फंसा हुआ है यार। ये देखो ना, मैंने इधर कर दिया ना, ये देखो इसको ऐसे करो ना, इधर इसको ऐसे करो, आप जाओ ना वहाँ पे यार। आप कितने यार देखो, मैंने हाफ पहनी है, मुझे सर्दी कितनी लग रही है। मेरा ये मेरी स्वेटर मेरा कसूर है, आपने हाफ पहनी है। सच्ची बहुत सर्दी लग रही है। नहीं ना, ठीक है फिर हम मूवी नहीं देखेंगे, फिर मूवी का प्लान कैंसिल कर देते हैं। अच्छा वैसे पता क्या है, सुनो मूवी का प्लान कैंसिल। हाँ, सो जाते हैं। नहीं अच्छा, हाँ ठीक है कैंसिल है, कोई मसला नहीं। मुझे देखनी थी, मेरा दिल बड़ा था कि मैं मूवी देखूं, लेकिन अब ये कैंसिल कह रहे हैं तो कैंसिल, कोई बात नहीं। देखनी मूवी कैंसल, मूवी नहीं देखनी हमने। चलें जी, बाय बाय। व्लॉग यहीं पे खत्म होता है, आता हूं। व्लॉग यहीं पे खत्म होता है। अच्छा लगा आपसे मिलके, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। देखता हूँ जाके यार, लगाता हूँ। कितने अच्छे हो, जस्ट गो, कितनी अच्छी है यार, उठ जाओ। चलें जी, व्लॉग यहीं पे खत्म होता है, हम मूवी नहीं देख रहे हैं, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। हैं, अल्लाह हाफिज़। चलो नहीं, गो गो गो, मूवी तो देखनी है, व्लॉग बेशक खत्म कर ले, मुझे नहीं पता। अच्छा उठ जाना, क्या है यार, मुझे कही जा रही है, खुद नहीं उठती है, कितनी है लेजी। A few moments later, पता नहीं क्या करना है। आप तो अभी बड़ा कह रहे थे मैं नहीं चलाऊंगा, कोई चला लो। डिवाइस ऑन किए बगैर कैसे नेटफ्लिक्स चलेगा? नेटफ्लिक्स पे देखनी है। हाँ जवान देखेंगे ना, जवान नेटफ्लिक्स पे। मुझे लगा कि शायद वो यूएसबी में आपने की हुई है। चलो पुराने जमाने में ही रहना आप, हैं नए जमाने में ना आना, अभी भी आप यूएसबी वाले जमाने में। दूसरा स्विच नहीं मिल रहा, यहीं पे पड़ा हुआ है डबल वाला, अगर ये सिर्फ मुझे उठाना चाहते हैं। एक लगा हुआ है, ये दूसरा कौन सा चाहिए आपको? ये एक टीवी का और एक उसका भी चाहिए यार। वो यहाँ पे चार्जर जैसा स्विच है उसका, ये मेरे बैग के पीछे देखो, बैग के पीछे यहीं पे होगा, ये सिर्फ चाहते हैं कि मैं उठूं। ये कौन सा है, ये वाला? आई डोंट नो, ये टीवी का है। ये तो टीवी यार, इधर लटका नहीं पड़ा नीचे यार, चार्जर जैसा स्विच है उसका। इंसान ये चाहते हैं कि मैं उठूं, लेकिन उठूंगी तो मैं भी नहीं, जो करना करो ढूंढो, यही तो है। सामने पड़ा हुआ था सामने। अरे ये है। देखने लगे हैं जवान, जो कि मैं देख चुकी हूँ ऑलरेडी, क्योंकि मुझे फोन पे सामने रिकमेंडेशन आ गया था, मैंने देख ली। चलें जी, जब मूवी स्टार्ट हो जाएगी ना फिर मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि ये तो खड़े हैं। ओ देखो फाइनली रिमोट लेते हैं, नहीं तो आप नहीं उठना है, और ये टेबल भी रख दे, काम किया करें। अब मैं उठूंगा बड़े अच्छे से। हाँ तो रिमोट ले आए ना, पूरा काम करें। चलें जी, अब मैं जस्ट इसको मूवी को जो है वो लगा लूंगा, फिर आपको दिखाऊंगी। मूवी स्टार्ट हो गई है, लाइट शाइट हमने ऑफ कर दी है, सिर्फ एक वो वाली ऑन है, वो भी हम बंद कर देंगे और फिर हम एंजॉय करेंगे मूवी, है ना। पूरा इसको सिनेमा हॉल बना के लाए, लाइट भी ऑफ और स्क्रीन यार, लाइट ऑफ ना हो ना तो इनकी ना रिफ्लेक्शन पड़ता है उसके ऊपर और वो अच्छा नहीं लगता। और ये तो फेक है, यहाँ पे हमारा नेटफ्लिक्स चल नहीं रहा और ये फेक मूवी है। पोपट हो गया, पोपट हो गया उनकी करना यार, पता नहीं क्यों नेटफ्लिक्स नहीं चल रहा। मैं परसों देख रही थी इसमें, सो जाना चाहिए, मैं आज इनका मूड ही नहीं था। अच्छा बंद कर इसको, दो दफा कर इसको। चलो फिर मैं अभी देखूं नेटफ्लिक्स आने की कोशिश करूं, मुझे लगा था कि शायद यूट्यूब पे मिल जाएगी, लेकिन इन्ने चंगे हैगे नहीं यूट्यूब वाले, तो फिर शायद हमें लैपटॉप पर ही देखनी पड़ेगी। लेट्स सी हम क्या करते हैं, फिलहाल तो हमारा पोपट हो गया। एट द एंड हमें लैपटॉप पर ही मूवी देखनी पड़ी, उसमें यूट्यूब चल रहा है, हर चीज चल रही है सिवाय नेटफ्लिक्स के, छोटे पर्दे पे आ गए हैं। मुझे उठाया था इतनी सर्दी में, खुद भी तो उठी खड़ी है। मैंने मूवी जो है फाइनली ढूंढ ली है, चाहिए तो वाले बस, लेकिन और भी थोड़ी छोटी है।